आज तो बहुत मुश्किल होगा मेरा, क्योंकि आज मैं हाईवे पे भी नहीं हूँ और एक बहुत सिटी से बहुत अंदर घुस गया आ गया, तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। हे गाइस, हाय, दिस इज मी, मैं हूँ डी जिंकीनाथ और आप देख रहे हैं द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथा अस्तु, वन सेकेंड। जा रहा हूँ वे सोडोंग करके एक जगह है जो चेरापूंजी रोड पे पड़ता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं सिर्फ फोटो में देखा था और वीडियो भी देखा था यूट्यूब में, तो मैं आज वही जगह में आपको लेके जाऊंगा। कैसा लगेगा आप जरूर कमेंट करके बोलिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ। और वो एक आज बहुत अच्छा एडवेंचर होने वाले हैं क्योंकि वहां का रोड जो है बहुत ही खराब है, तो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा डिटेल्स में। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, कम ऑन लेट्स गो। अभी तो थोड़ा भूख लग रहा है, ज्यादा देर नहीं करेंगे तो चलिए थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वेज नूडल विथ ऑनियन, मजा आएगा। चलिए। अरे यार, नॉन स्टॉप बारिश हो रहा है, ये बारिश की वजह से तो बहुत प्रॉब्लम होता है। मोबाइल में रिकॉर्डिंग करने में भी बहुत मुश्किल होता है, पानी घुस गया तो हो गया और काम तमाम। लोकेशन पे पहुंचने से पहले ही मैं एक ब्रिज मिला हमको, और वो ब्रिज में जो एक छोटा सा झरना है वो काफी सुंदर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए एक बार देख लीजिए एक झलक। चेरापूंजी से जो ऑरेंज रेस्टोरेंट से पहले ही रास्ता आता है वो रास्ता से आपको राइट साइड लेना पड़ेगा और रास्ता काफी खराब है, आगे जाके मालूम नहीं कैसा है। yeah! बस चारों ओर फॉग ही फॉग, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इतना अंधेरा जैसा छा जाता है, तो आगे से या पीछे से क्या गाड़ी आ रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख लीजिए आप लोग, अनफॉर्चुनेटली मेरा टायर फिर से आज पंचर हो गया है और मैं जिस जगह में हूँ उस जगह में तो दूर दूर तक कुछ नहीं है, दुकान भी बंद है, आज स्पेशली संडे है। आज तो बहुत मुश्किल होगा मेरा क्योंकि आज मैं हाईवे पे भी नहीं हूँ और एक बहुत सिटी से बहुत अंदर घुस गया आ गया, तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए आपको देखते हैं क्या होता है। ये एकदम नया टायर था, ये एकदम नया टायर था,
मैं कुछ महीने पहले ही लगाया था। न जाने यहाँ पे कुछ कील वील नहीं दिख रहा है, फिर भी पंचर हो गया है। अभी बहुत परेशानी होगी, यहाँ से मैं बाइक कैसे लेके जाऊंगा, दैट इज द मेन इशू। आज हमने पूरा ठान लिया है, पंचर हुआ है बाइक, अभी बज गया है 2, तो 2 बजे तक अभी यहाँ पे फंसा हुआ है। अभी उसी डेस्टिनेशन पे जाएंगे जरूर, आपको जरूर दिखाएंगे। अभी नीचे तक आ रहे हैं हम, चलिए एक बार चलते हैं। टूरिस्ट प्लेस है, फिर भी यहाँ पे सीढ़ी जो है वो कच्चा सीढ़ी है, नेचुरल सीढ़ी है, इतना खास अच्छा नहीं है। ये औरत के लिए तो बिल्कुल नहीं है, मतलब जो पहाड़ चढ़ने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं वो सबके लिए नहीं है, और बहुत स्लिपरी है। नीचे में आने के टाइम में तो ठीक लग रहा है, ऊपर चढ़ने में तो आज जरूर पूरा फटेगा। रेनी सीजन में बहुत स्लिप होता है बारिश की वजह से। क्या करे यार, मेरा टेंशन हो रहा है टायर का, क्या करेगा यार, इतना दूर मेहनत करके आया है तो देख के तो जरूर जाना चाहिए ना, इसलिए आया, जो होगा देखा जाएगा। फाइनली मैं इस जगह में पहुंच चुका हूं। मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कितना खूबसूरत व्यू है और कितना खूबसूरत नजारा है, मल्टी स्टोरी झरना है। आज तक का सबसे टफेस्ट फॉल, आई थिंक ये सबसे टफेस्ट फॉल है, मैं अभी तक जितना गया हूँ मेघालय में, जितना फॉल है सबसे टफेस्ट फॉल है। अगर आप लोग इतना मेहनत करने वाला आदमी नहीं है ना, तो यहाँ में मत आइए, कसम से यहाँ पे आदमी थकता नहीं है, फट जाता है। आज तक इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय आई होम, बाय बाय। अय्या किसी तरह पहुंच गया मेन रोड।
अभी बाइक पे अभी हालत खराब है। किसी तरह जाना पड़ेगा बस। अब तक के लिए बहुत ही खतरनाक राइड था। अभी तक पंचर का दुकान नहीं मिला है, फिर भी मैं खड़ा होकर चला रहा हूं अभी। तो मैन, आई एम वेरी अपसेट मैन। आज जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है, हुआ है।